दोस्तों 10 साल होने वाले हैं मोदी गवर्नमेंट को और उनके बहुत सारे काम किए गए हैं जिससे बहुत लोग नाखुश भी हो सकते हैं, उससे खुश भी हो सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा, किसी काम को किसी के प्रभाव में सुनकर उसको बुरा कहना, गलत कहना उतना अच्छा नहीं है जितना आप अच्छा उसको समझते हैं। आपको जानना चाहिए कि आखिर सच में मोदी गवर्नमेंट ने इन 10 सालों में कुछ तो अच्छा काम किया होगा। तो आइए इसको जानते हैं। सबसे पहला, नोटबंदी। ये सत्य है कि नोटबंदी से बहुत सारा काला धन नहीं आया, लेकिन ये भी सत्य है कि एक ऐसा फॉरवर्ड स्टेप था जिससे लोगों को ये लगा कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी जी हैं कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ, एक मजबूत कदकाठी का प्रधानमंत्री हमारे देश में आया है। दूसरा, ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक को कोई छूना नहीं चाहता था हमारे देश में, लेकिन सच में एक ये बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ जिससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत ही इससे लाभ हुआ। तीसरा, राम मंदिर। राम मंदिर एक ऐसा, अगर इकोनॉमिकली देखें, एक ऐसा मतलब टाइप का युद्ध हो गया था जहाँ पे बहुत सारा पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा था और लोगों के मन में हमेशा एक विद्वेष की भावना थी। उन्होंने इसको खत्म किया, जो कि 500 सालों का इतिहास रहा है, बहुत ही अच्छा किया। चौथा, अगर हम बात करें आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत आप माने या ना माने, लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा है, बहुत सारे गरीब परिवारों का उससे इलाज हुआ है। मेरे ही एक दोस्त के घर में एक लोगों को कैंसर हुआ था, उनका भी इलाज इसी से हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ आयुष्मान भारत बहुत ही अच्छा स्टेप है। पांचवा, अगर आप देखें तो आज भी भारत में बहुत परिवारों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए जल जीवन मिशन मोदी ने लाया, जब इससे 10 लाख करोड़ लाभार्थियों को लाभ होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर मैं बात करूं पीएम किसान सम्मान निधि की, इसके तहत एक साल में 6,000 रुपये लोगों को मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, प्रोज कॉन्स तो लगे रहेंगे, लेकिन एक स्टेप जो कि डायरेक्ट किसानों को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप हाईवे देख लो, बहुत अच्छी सड़कें देख लो, 100 करीब वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की गई, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर मैं और बात करूँ तो स्वच्छता अभियान 2014 के पहले मुझे नहीं लगता कि लोगों में इतना जहन था स्वच्छता के प्रति, लेकिन मोदी गवर्नमेंट जब से आई है स्वच्छता को कहीं ना कहीं बहुत ही विशेष बल मिला है। लोगों में एक अवेयरनेस फैली है, एक इनहेरेंट अवेयरनेस है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है। उसके बाद पीएम आवास योजना, आज भी आपको पता है कि भारत में बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनको मकान नहीं है, उस मकान का मिलना भी पीएम मोदी को श्रेय जाता है, एकदम डायरेक्ट ये पैसे आते हैं। ये सत्य है कि प्रधान बीच में पैसे खा लेते हैं गरीबों से, लेकिन बहुत सारा मकान बने हैं, मेरे गांव में भी बने हैं। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो आपको पता है कोविड महामारी आया, बहुत तो लाखों लोगों के जॉब चले गए, ऐसा केस आ गया कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी का जो गरीब के लिए जो राशन देना था, वन नेशन वन राशन कार्ड लाना, जहाँ पे आप कहीं भी किसी भी सार्वजनिक राशन के दुकान से आप पैसे ले सक राशन ले सकते हैं, तो इसके तहत बहुत करोड़ों लोगों को लाभ हुआ, जो कि आज भी यह स्कीम चल रहा है। ये सत्य है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को अपना अपने दम पे कमाना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन अभी वो स्टेप नहीं है कि डायरेक्ट हम वहाँ पे जंप कर सकें, तो ये भी एक अच्छा स्टेप माना जा सकता है। अगर और हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें, जैसे कि रोजगार को लेकर मोदी गवर्नमेंट विफल रही है, लेकिन अभी ये जॉब, देखिए जॉब क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि एक साल दो साल तीन साल में तुरंत बनाया जा सकता है, ये एक प्रोसेस है। जॉब क्रिएशन बहुत पहले से अगर आप थिंक किए रहेंगे, आप एक दूरदर्शी थॉट से चलेंगे, तभी जॉब क्रिएट हो सकता है। तो अब क्या हुआ कि 70 सालों से देश में बहुत सारी गवर्नमेंट रही, इसमें बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, गठबंधन की सरकारें भी रही हैं, इन्होंने कभी भी रोजगार पे उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, और इन द सेंस ये कि कभी इन्होंने जो भी एजुकेशन पॉलिसी थी इसको कभी उस लेवल तक नहीं ले गए कि लोगों की स्किल डेवलपमेंट हो। रटने टाइप की एक एजुकेशन पद्धति बनाई गई जहाँ पर लड़का रटता है, कॉलेजों से निकलता है, तो उसकी स्किल कोई नहीं होती जिससे उसको जॉब नहीं मिल पाता है। अब चाइना को देख ले, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे हर एक नागरिक कुछ ना कुछ स्किल है, वहाँ पे हर एक जॉब को उतने ही लेवल से देखा जाता है, तो वो हमारे देश में कमी रही है। तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये 9 साल में ही ऐसा हुआ है, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब इस मिथक को तोड़ने में बहुत सारे वर्ड्स लगेंगे, तब तो जॉब क्रिएट होगा। तो लोगों का ये कहना कि किसी ने कह दिया कि हम 2 करोड़ जॉब दे देंगे, ये सत्य है कि ये पॉलिटिकली बस वोट लेने का लुभावना वाला मुद्दा है, लेकिन सत्य ये है कि किसी भी गवर्नमेंट को जॉब देने का मतलब यही है कि पीछे से बहुत सारे वर्षों का एक तपस्या होता है, तब जाके जॉब मिलती है। तो सरकारें, जो भी भारत सरकार है, उस पर काम कर रही है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जॉब क्रिएट होंगे, जब लोगों की स्किल डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन भी होगा। उसके बाद अगर आप स्टार्टअप की बात करो,
मोदी गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया ना, लोगों को ये कहा कि तुम स्टार्टअप करो। ऐसा तो है कि बहुत सारे स्टार्टअप फेल हुए देश में, लेकिन लोगों में एक वो जागरूकता बढ़ती जा रही है, स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं और जिससे आप ये कह सकते हो कि मोदी गवर्नमेंट सच में बहुत सारा काम की है, और इसके बहुत सारे भी कॉन्स भी हम अगले वाले वीडियो में बात करेंगे क्या है मोदी गवर्नमेंट के कॉन्स। लेकिन ये तो काम है जो कि जहाँ पे मोदी गवर्नमेंट को सच में धन्यवाद देना चाहिए।